अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगर आपने मेरे चैनल वीडियो नो को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ ही ठहरे बेल आइकन को ऑल पे कर दें। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं GTA 5 कैसे डाउनलोड करनी है। सबसे पहले आपने गूगल खोल लेना है, उसके बाद यहां पे सर्च करना है GTA 5। ओके, GTA 5 लिखना, वी ना लिखना, और सामने ओशन ऑफ द गेम जैसे कि मेरे सर्च में खड़ा हुआ है तो आपने यहाँ से जाके डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप लोगों को एक मसला होगा, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है के GTA Grand Theft Auto V Crack Missing, क्या है Crack Missing, जो कि क्रैक इसके अंदर मिस था ना, तो उनने दोबारा फिक्स करके इसमें डाल दिया। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आजकल इसको भुला दिया गया है, तो आप लोगों को यहाँ से क्लिक करना है, यहाँ से आप लोगों को डाउनलोड मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे आप लोगों ने डाउनलोड करना है, ये तकरीबन 36.2 GB की फाइल है, इसको आपने डाउनलोड करना है। फिर उसके बाद आपने क्रैक डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करने के बाद उस क्रैक को उस फोल्डर में पेस्ट कर देना है, तो और कुछ नहीं होता है इसमें। क्रैक फाइल इसमें एग्जी फाइल होती है जो इसको इंस्टॉल करने में काम आती है। अब बात करते हैं इसके स्पेक्स की, इसके स्पेक्स क्या है। तो स्पेक्स में सबसे पहले तो आप लोगों को विंडोज की बात है, विंडोज बस टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आप मुझे तकरीबन यकीन है कि आप में से अक्सर विंडोज 7 से ही ऊपर ऊपर यूज करते होंगे, सबसे ज्यादा 7 ही चल रही होगी। 7 का आजकल थोड़ा बहुत मसला हुआ था तो उसको मेरे ख्याल में बहुत से लोग यूज करना छोड़ गए। तो उसके बाद बात करते हैं कि आप लोगों को प्रोसेसर कितना चाहिए। 2.4 GHz के 4 प्रोसेसर चाहिए आप लोगों को, मतलब ये कितना है, क्वाड कोर प्रोसेसर 2.4 से 2.5 तक। ओके, बाकी ड्यूअल कोर सीपीयूज पर भी करता है लेकिन इतना अच्छा काम नहीं करता। मेरा अपना ड्यूअल कोर था, मैं उस पर चलाता रहा हूँ, इसी के ऊपर ये जो पीसी है मेरा, तो आप लोग इसकी ग्राफिक्स जब तक देखते रहे मैं आपको ये बताता रहता हूँ। तो ये ड्यूअल कोर पे सही नहीं चलता, रुकता है। मेरे स्पेक्स भी पूरे थे, मेरे पास ये अभी लिखा हुआ वीडियो कार्ड 1 GB चाहिए, हालांकि मेरे पास 4 GB मेरे पास वीडियो कार्ड था इंटेल वालों का, उस पर भी सही नहीं चला। और डायरेक्ट एक्स भी मेरे पास 11 ही था, उस पर भी सही नहीं चल रहा था, ग्राफिक्स सही दे रहा था फिर रुकना शुरू हो जाता था। असल में वो यही मसला था कि इसके ये प्रोसेसर हैं ये पूरे नहीं थे। उसके बाद रैम की बात होती है, रैम इसको 4 GB रैम चाहिए, जो कि मेरे पास 8 GB थी, डबल डबल चीज़ें थी मेरे पास, मतलब मैक्सिमम रिक्वायरमेंट थी, फिर भी ये सही नहीं चल रहा था, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। और उसके बाद जो सेटअप साइज यहाँ पर लिखा हुआ 38.8 GB, ये 38.8 GB नहीं है, तकरीबन 36.2 GB है, आप लोग देख सकते हैं नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड्स में। ठीक है, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, कंट्रोल जे प्रेस करना है। ओके, ये डाउनलोड्स में आ गया, ये सामने देख रहे हैं 36.2 GB ये डाउनलोड हो रहा है। ओके, उसके बाद बात करते हैं नीचे वाले क्रैक की। आपने क्रैक डाउनलोड करना है, ये क्रैक फाइल है, आपने इस क्रैक को डाउनलोड करना है। ओके, क्रैक डाउनलोड होएगा, क्रैक तकरीबन कुछ MB का है, 56 MB का है मेरे ख्याल में, वो आपने डाउनलोड करना है। एड्स ने भी यार बर्बाद करके रखा हुआ है, ये है 56.2 MB, इसको डाउनलोड करना है, इसको खोल के, ये भी विनरार की फाइल है, आपने इस जिप फाइल को इंस्टॉल करना है। इसको जब इंस्टॉल हो जाए तो इसको इधर से फाइलें उठा के इसमें पेस्ट कर देनी है और वहाँ पे रिप्लेस कर देनी है आपने। ओके, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलेंगे आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों को किसी और चीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है, अगर किसी और चीज़ को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे बताएं, मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाऊंगा डाउनलोड के लिए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेहरबानी करके लाइक भी मार दें हमारी वीडियो को, और सब्सक्राइब तो अगर आपने नहीं किया हो तो वो भी कर दें, और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर देना ताकि आप मेरी न्यू वीडियो से अपडेट होते रहें। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे, बाय बाय।